Assalamualaikum my dear friends and welcome back to PeaceCare channel. आप इस वीडियो में बेसिक जावास्क्रिप्ट से लेकर एडवांस जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल्स देखेंगे. ना सिर्फ इस वीडियो में बल्कि मैं अब जावास्क्रिप्ट की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ और इस सीरीज में आपको कुछ डिफरेंट वीडियोस मिलेगी जावास्क्रिप्ट पे और जावास्क्रिप्ट बिगनर्स के लिए भी और एडवांस के लिए भी. यानी कि बेसिक जो है जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं आप लोग और एडवांस भी सीख सकते हैं. और इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगी कि जावास्क्रिप्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, जावास्क्रिप्ट है क्या, हम इसको किस तरह से रन करते हैं. जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग वो है ये कि एट द लास्ट या आपको हर एक वीडियो में पर्सनल टिप्स भी मैं शेयर करूंगी जो कि मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड होंगी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप सर्च इंजन देख रहे हैं गूगल का, मैं आपको इस सर्च इंजन पर दिखाऊंगी कि स्क्रिप्ट हमारे वेब पेजेस या वेबसाइट्स पे कहाँ यूज होती है. तो मैं जाऊंगी राइट क्लिक पे एंड देन मैं इंस्पेक्ट को क्लिक कर दूंगी. देन हमारे पास एक एचटीएमएल का कोड ओपन होता है. तो हम लोग इसमें यहाँ पे देखते हैं सबसे टॉप पे एचटीएमएल का और एचटीएमएल के बाद स्टाइल्स या हमारी CSS है, क्योंकि आपको पता है कि HTML जो है वो ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में. उसके बाद यहाँ पे जो जितने भी स्टाइल्स है वो CSS है, यानी कि ये HTML के साथ मिलकर पेजेस को और बेहतर और अच्छा बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है. देन आ जाते हैं हेड में. हेड के अंदर बाकी सारे लिंक्स भी मौजूद है और यहाँ देखें यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग भी मौजूद है. इट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट भी हमारी यूज होती है कहीं ना कहीं वेब पेजेस पे. अब ये जावास्क्रिप्ट जो है बिहेवियर्स को बताता है, हमारे HTML पेजेस के बिहेवियर्स को बताता है. और ना सिर्फ बिहेवियर्स को बल्कि हमारे यहाँ पे मौजूद जितने भी बटन्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ इस पेज में गूगल सर्च और आई एम फीलिंग लकी के बटन्स मौजूद हैं, तो इसको भी मोर अट्रैक्टिव बनाता है. तो अभी मैं क्या करूँगी, इसी कंसोल पे आपको दो तीन प्रैक्टिकल वर्क दिखाऊंगी. तो सबसे पहले आपने इस कंसोल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लास्ट में क्लियर कंसोल कर देना है. आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कोड कर सकते हैं. इस गूगल कंसोल पे प्रैक्टिकल कर रही हूँ अब मैं. सो सबसे पहले मैं अलर्ट का फंक्शन डालूंगी, अलर्ट, इसके अंदर हेलो वर्ड करूँगी, एंटर करूँगी. तो देखें ये गूगल क्रोम का पेज ही जो है गूगल की वेबसाइट मुझे कह रही है कि हेलो वर्ड, ठीक है. इसके अलावा आप और भी कोई टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं. मैं हेलो वर्ड की जगह कुछ और डाल रही हूँ. आई एम अ प्रोग्रामर के नाम से, और ये देखें आई एम अ प्रोग्रामर आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है. इसके अलावा और भी है जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कोई भी. ये क्या करेगा, प्रिंट करने के लिए है. आपकी कोई भी इनपुट आपने जो दी हो या प्रोग्राम किस तरह से रन करना चाहिए और उसके आउटपुट क्या आनी चाहिए, तो आप इस तरह से आउटपुट ला सकते हैं. प्लस एंड माइनस का भी फंक्शन कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें अब आ गया 67 प्लस 65. सो हम कंसोल गूगल कंसोल पे भी हम जो है इजीली काम कर सकते हैं. यहाँ पर आकर भी हम कोड डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये डेवलपर्स के लिए बनाया गया है. सो अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और उसमें वहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सीखते हैं जावास्क्रिप्ट का कि हम किस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है, एक HTML की फाइल बनानी है और उसका नाम कोई भी कुछ भी आप रख सकते हैं. मैंने index.html की का नाम दिया उसको. उसके बाद बॉडी के अंदर कोई भी हेडिंग या कोई भी HTML का एलिमेंट बना दें. बस ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है और उसकी आईडी दी है. सो अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहला जो फ़ायदा है जावास्क्रिप्ट का वो ये है कि HTML कंटेंट को भी चेंज कर देता है. तो मैं ये दिखाऊंगी कि किस तरह से जो जावास्क्रिप्ट है या स्क्रिप्ट जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो हेडिंग वन को चेंज करेगी या कोई भी एलिमेंट मौजूद होगा जो HTML का वो कैसे चेंज करेगा. तो सबसे पहले क्या करूँ, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगी और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक कोड लिखूँगी जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी. यानी कि हम लोग
कोई एलिमेंट गेट कर रहे हैं और जो हम आईडी से एक्सेस कर रहे हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल या डबल जावास्क्रिप्ट मैटर नहीं करता कि आप अगर डबल में करते हैं या सिंगल में करते हैं। मैं यहाँ पे आईडी का नाम दूंगी, आईडी हमारी यहाँ पे हेडिंग है। देन उसके बाद आपने करना है इनर एचटीएमएल का इंक्लूड इसी कोड के अंदर, यानी कि हमारी इनर एचटीएमएल चेंज होनी चाहिए। और किस तरह से, लाइक अभी ऊपर हेडिंग वन जो है वो जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन के नाम से है, मैं चाहती हूँ कि जस्ट लर्न फास्ट जे एस, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं इसको एंड कर रही हूँ यहाँ पे, इसको सेव करके मैं रन करूँगी, तो देखते हैं, ये देखते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है हमारा कोड चेंज कर दिया है, यानी कि अगर इससे पहले अगर हम देखें, लाइक अगर आप चाहते हैं कि कन्फ्यूजन है कि इसको अगर हम नहीं डालते, इसको ख़त्म कर देती हूँ मैं और सेव करती हूँ, तो आप देखें, आप तो आता रन, ये देखें बिल्कुल जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, फिर उसके बाद डॉट कॉल कर दिया एक फंक्शन इनर एचटीएमएल का, एंड देन उसके साथ मैंने सारी जो जो मुझे टेक्स्ट चाहिए था हेडिंग के अगेंस्ट, तो वो मैंने डाल दिया। और डेफिनेटली अब मुझे क्या शो हो रहा है, जस्ट लर्न फास्ट जे एस, जैसे कि मैं अब इसको रीलोड करती हूँ, तो ये देखें। इसके अलावा सेकेंड पे आ जाएँ कि दूसरा फ़ायदा क्या है। दूसरा फ़ायदा यह है कि HTML कंटेंट डिस्प्ले को ऑफ कर देता है। लाइक अगर हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी HTML का एलिमेंट्स का कोड है वो हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते, लाइक अगर मैं इसी लाइन को कॉपी करके दोबारा से, आप इस लाइन को कॉपी करें और पेस्ट करें, एंड देन डॉट इनर HTML की जगह डॉट स्टाइल फिर डॉट डिस्प्ले कर दें और इधर से यहाँ पे वैल्यू कर दें नन की, देन यू विल सी नथिंग ऑन द पेज। सिंपल, आप जाएं यहाँ पे और इसको रीलोड कर दें, तो देखें आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा। अब इट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट का इतना बड़ा रोल है कि वो इजीली एचटीएमएल के कोड को डिस्प्ले को नन कर सकता है, यानी कि डिस्प्ले को ऑफ कर सकता है, इसके अलावा कॉन्टेंट को भी चेंज कर देता है। जावास्क्रिप्ट का तीसरा काम ये है कि ये स्टाइलिंग भी अप्लाई कर देता है एचटीएमएल के एलिमेंट्स में। लाइक अगर मैं ऊपर वाली लाइंस को बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी कर लूँ और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दूँ, स्टाइल डॉट डिस्प्ले की जगह मैं लिख दूँगी कलर, और यहाँ पे मैं कलर की वैल्यू दे दूँगी इन्वर्टेड कॉमास में, लाइक मैं दे रही हूँ रेड। इसी तरह से मैं इसको सेव कर देती हूँ, एंड देन यू विल सी, आप आउटपुट में देखेंगे जस्ट लर्न फास्ट जे एस और इसके कलर देखेंगे रेड। चलें इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट, ये देखें जस्ट लर्न फास्ट जे एस जो है रेड कलर में है। इट मीन्स कि ये स्टाइलिंग को भी अप्लाई कर देता है। तो ये था, दो तीन और भी हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक और चीज़ भी बताती चलूँ जावास्क्रिप्ट की, वो ये है कि ये क्लाइंट साइड पे भी काम करती है और सर्वर साइड पे भी काम करती है, मतलब दोनों फ़ायदे हैं इसके अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो कि इंट्रोडक्शन है, और दो तीन कोर्स मैंने करवाए हैं इस वीडियो में। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।